लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय संचालक सलाहकार एवं हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य विशाल ताम्रकार एवं समाज सेवी अमरजीत सिंह गिल ने कुम्हारी में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि समाज की किसी भी बेटियों पर अत्याचार को रोकने के लिए हम सबको एक साथ होकर खड़ा होना पड़ेगा। लक्ष्य सनातन संगम के राष्ट्रीय संचालक सलाहकार एवं हिंदू जनजागृति समिति के सदस्य विशाल ताम्रकार एवं समाज सेवी अमरजीत सिंह गिल ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अखंड भारत के निर्माण के लिए आज परिस्थितियां सामान्य नहीं है। हम जब बांग्लादेश पाकिस्तान को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। हम सोचने लगते हैं कि जो घटनाएं हो रही है उसमें हमें क्या, हम तो यहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन हम गलतफहमी में जी रहे हैं। दुर्भाग्य है कि हमारे देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो गए हैं। हम अल्पसंख्यक की परिभाषा समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का लाभ ले रहे हैं। किसी भी प्रदेश में जब कभी अप्रिय घटना होती है तो यह किसकी जिम्मेदारी है? यह हम सब की जिम्मेदारी है। आज बेटियों को सुरक्षित रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हमें योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। समाज कोई भी हो, अगर बेटियों पर अत्याचार होता है तो हमें खड़े रहना चाहिए। इस विषय में जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं ये निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। बीते 3 वर्षों से 56,000 के करीब लड़कियां छत्तीसगढ़ से गायब है। इसमें अगर सिर्फ रायगढ़ जिले की बात करें तो 60 लड़कियां हर महीने गायब हो रही है और पूरे देश भर में 13 लाख से अधिक लोग गायब हैं। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं, अलग अलग पार्टियों के हाथों साइट आती जाती रहती है, वे अपना काम भी करते रहेंगे, लेकिन हमारा भी तो समाज के लिए कुछ दायित्व बनता है। इसके लिए जाति भेदभाव से हटकर हम सबको सामाजिक स्तर पर संयुक्त रूप से एक होकर काम करने की आवश्यकता है। सनातन धर्म की बात हो रही है, मैं सनातन धर्म के बारे में बताना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा। हम सनातनीय हैं, इस चीज़ को हम भूल चुके हैं। इसको हमको याद करना है, लोगों को बताना है, सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है और अपने घर से अपन को चालू करना, अपने बच्चों से अपन को चालू करना, सनातन के धर्म के बारे में बताना है कि आखिर हम लोग है कौन, सनातन धर्म का मतलब क्या है। अपने बच्चों से अपन को चालू करना, तब जाके पूरे समाज में ये सनातन धर्म के बारे में लोगों को जागरूकता मिलेगी। और जैसे कि मैंने पढ़ा और मेरे ख्याल से ये जो मैं पंथियाँ बोलने जा रहा हूँ ये मेरे ख्याल से शिवाजी की है, शिवाजी महाराज की है लिखी हुई। जैसे कि अपन को रोटी कपड़ा और मकान के बारे में चिंता होती है, वैसे ही हम लोगों को धर्म के बारे में, धर्म को मजबूत करना है, सोचना है धर्म के बारे में और धर्म को मजबूत करना है। जहाँ धर्म कमज़ोर होते हैं वहाँ रोटी छीन ली जाती, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। मेरा सभी भाइयों से, हमारे हिंदुस्तानियों से यही अनुरोध है कि अपने घर में अपन को शुरुआत करनी है सनातन धर्म के बारे में, छोटे से लेके बड़े बच्चे तक के अपन को समझाना सनातन धर्म के बारे में। और रही बात नशापत्ती की, नशा हम लोगों को कमज़ोर कर रहा है, हमारे वंशों को कमज़ोर कर रहा है और कमज़ोर करने वाले हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे को जैसे लकड़ी में घुन लगती उसी प्रकार के से हमारे नौजवानों को ख़त्म करते जा रहे हैं और हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैसेज ये देना चाह रहे हैं पूरे समाज के लोगों को, अपने सामाजिक स्तर पर बैठक रखकर जागरूकता करना पड़ेगा। बिलासपुर में यदि किसी घर पर प्रशासन दबिश देती है और 400 हिंदू लड़कियों का फोटो निकलता है और उसे क्रॉस का चिन्ह बना रहता है और उसके पीछे उनका पूरा बायोडाटा रहता है, तो हमें लगता है कि अब विकराल परिस्थिति आ गई है। प्रत्येक दिन हमारे पास फ़ोन आते हैं, कभी हम किसी थाने में जाते हैं, कभी हम किसी थाने में जाते हैं। थाने में जाना हमको बंद करना पड़ेगा, थाने के पहले हमको भूमिका समाज में जागरूकता करना पड़ेगा ताकि हम अपनी बहनें और बेटियों को बचा पाएं, क्योंकि लगातार लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। चलो ठीक है, किसी कारण से यदि बेटियां किसी अन्य समाज में जाती हैं और सुरक्षित रहती तो ये बातें नहीं उठती, लेकिन हम देखते हैं अंकिता को झारखंड में उसी के घर पर जिंदा जला दिया गया, भारत देश की हृदय स्थल दिल्ली में साक्षी को पत्थर पटक के मारा गया और लगातार श्रद्धा के 36 टुकड़े कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा और इन चीजों से जागरूकता अभियान
को चलाकर अपनी बेटियों को बचाना ही हमारी पहली और अंतिम प्राथमिकता रहेगी। जी, समाज में बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला और टाइगर राजा भैया ने स्पष्ट कहा है, हमें किसी के जमीन को छीनने के लिए ताकतवर नहीं बनना है, हमें किसी की बहन बेटियों की आबरू इज्जत को लूटने के लिए ताकतवर नहीं बनना है, हमें ऐसे किसी चीज़ के लिए ताकतवर नहीं बनना है, अपने बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र का हमें अभ्यास और ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पष्ट संदेश है, आप प्रशिक्षण लीजिए, गाँव स्तर में शहर स्तर में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। बहरहाल इस प्रेस वार्ता में रामाधर शर्मा, मिथिलेश यादव, अवधेश शुक्ला, रामकुमार सोनी एवं अमरजीत सिंह गिल शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।